नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग पे। और अभी जो है सुबह का टाइम है और सुबह से हम मार्केट नहीं गए थे। एक्चुअली हमको कोई ज़रूरत नहीं लग रहा था कि मार्केट जाने का, लेकिन अचानक से याद आया कि कल तो शिवम का एग्ज़ाम है और हमको लेकर के आना है उसका एग्ज़ाम बोर्ड, क्योंकि स्कूल से मैसेज आया था कि बच्चों को एग्ज़ाम बोर्ड लेकर के आना है। आज तो मेरा इवनिंग ड्यूटी है, हम रात 10 बजे आएंगे ड्यूटी से, और फिर कल मेरा मॉर्निंग ड्यूटी है, फिर सुबह हम 6 बजे ही निकल जाएंगे, तो फिर हम उसका एग्ज़ाम बोर्ड खरीदेंगे कब। इसलिए हम मार्केट निकल रहे हैं अभी उसका एग्ज़ाम बोर्ड लाने के लिए। और जब मार्केट निकल रहे हैं तो कुछ घर का सामान भी ले लेंगे, तो चलिए निकलते हैं मार्केट। A few moments later. शिवम, लो तुम्हारा क्या है, ये एग्ज़ाम बोर्ड, ठीक है। तो कल तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, तो कल तुम इसी को लेके जाना, इसी में रख के तुमको लिखना होगा, ठीक है। तुमको टीचर खोल देगी? अच्छा ठीक है, घर में प्रैक्टिस कर लो। और इस वाले गमले में जो पहले एक पौधा लगाए थे जो कि मर गया था, उसको उखाड़ के संतोषी फेंक दी थी, तो इसमें अभी हम एलोवेरा का गाछ लगा दिए हैं। यहाँ पे जो एलोवेरा का जो गाछ है, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा एलोवेरा का गाछ उठा था, तो यहीं से उखाड़ करके इसमें लगा दिए हैं। और अभी संतोषी दिन के खाने की तैयारी कर रही है, तो देखिए क्या बन रहा है। तो यहाँ पे अंडा को ऑमलेट बना के उसको काटा गया छोटा छोटा। यहाँ प्याज भून जा रहा है, इधर आलू है, इधर मसाला पीस रही है। तो क्या बनेगा आज, अंडा का ये ऑमलेट वाला सब्जी है। तो ये भी एक प्रकार का अंडा का सब्जी, एक तो अंडा उबाल के डायरेक्ट बनाते हैं, तो ये है अंडा का ऑमलेट बना करके। ये वाला सब्जी खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस घर में दोनों बाबू क्या कर रहे हैं, शिवम बैठा है और दिविशा उधर मोबाइल में व्यस्त है, और ये यहाँ पे टीवी में व्यस्त है। क्या देख रहा बेटा, जीगेन सर को फेवरेट कार्टून है तुम्हारा। चलिए मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, निकलते हैं ऑफिस और अब आएंगे सीधा रात को 10 बजे। तब तक संतुष्टि हो सकेगा तो कुछ वीडियो अगर शूट कर ले तो कर लेना कुछ वीडियो शूट। तो यही कारण होता है जिसके कारण हम दो तीन दिन में वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ऑफिस में रहते हैं तो फिर क्या वीडियो बनाएंगे ऑफिस से। तो निकलते हैं ऑफिस। हम ये मैदा रखे हैं निमकी बनाने के लिए, क्योंकि निमकी ख़त्म हो गया है, पापा जो भेज रहे थे तो ख़त्म हो गया है, और खरीदा हुआ निमकी हमको अच्छा लगता नहीं है, बाबू भी खाता नहीं है। तो ये अगर निमकी बनाने के लिए यहाँ मैदा रखे हैं, इसका निमकी बनाएंगे। और यहाँ देखिए सा रो रही है छत जाने के लिए, शिवम भी बोल रहा है कि छत जाएंगे, लेकिन अभी तुरंत ही बरसा पड़ा तो अभी नहीं जाएंगे, छत भींगा हुआ है। तब तक हम निमकी बना लेते हैं और ये लोग को बोलते हैं कि खेलो तुम, हम निमकी बना लेंगे, जब बारिश छत सूख जाएगा तब लेके जाएंगे। और वैसे ये लोग बोर हो जाता है, इसका इनके पापा नहीं रहता है तो दोनों बोर हो जाते हैं, और वो रहते हैं तो दोनों को लेके खिलाते हैं तो उन लोग को अच्छा लगता है। मेरा हो गया निमकी बना हुआ, निमकी छना हुआ हो गया। दोनों बच्चा तभी से मोबाइल देख रहा था, और अभी मोबाइल लिए तो पजल दिए तो पजल सॉल्व करने लगा, तब मोबाइल दिया, नहीं तो मोबाइल नहीं देता। शिवम तो समझ जाता है, लेकिन दिविशा नहीं समझती, कभी कभी रोती है मोबाइल के लिए, तो उसको मोबाइल दे के तब हम गए थे निमकी छानने के लिए। हो गया मेरा सारा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं संध्या देने के लिए, संध्या का टाइम भी हो गया। थोड़ा देर बाद बाबू लोग को तब थोड़ा देर बाद पढ़ने बैठाएंगे। हम संध्या दे के आ गए, उसके बाद बाबू को बोले कि थोड़ा पढ़ने बैठ जाओ, कल एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो उसको थोड़ा सा रिविज़न करवा रहे हैं, यहीं पर घर में बैठा के रिविज़न करवा रहे हैं, कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है। और हम तब तक मैं आटा सान लिए, आटा सान के रखे, और देखिए दीदी से आटा लेके क्या कर रही है, हम जब भी आटा सानने ले बैठते हैं इसको आटा चाहिए, आटा सान के घाट रही है। पढ़ाई करो बेटा, लिखो बेटा लिखो, तुम लिखो। रात का खाना के लिए हम भी आटा सान के तैयार कर लिए हैं, खीर बनाए हैं, खीर बन गया है, अब परवल बाकी है, परवल का भुजिया बनाएंगे। लिखो बेटा लिखो, ठीक है, तुम तब तक लिखो, तब तक हम खाना बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तुम सुंदर से लिखो, वेरी गुड गुड। पापा आएगा तो पापा को दिखाना। हाँ, तो हम जस्ट अभी अपना ड्यूटी से आए हैं, और अभी तक दोनों बाबू सोया नहीं है, रात का 10 बज गया है, तो मोबाइल लेके व्यस्त है, जबकि उसका एग्जाम है। तुम पढ़ा देगी नहीं कुछ,
कल एग्जाम में क्या लिखेगा तुम एग्जाम में? लिखने सीखा हो अपना नाम हो? और दिविशा भी इधर क्या लिखा है? अच्छा वो लिखने सीख गया है, नेम शिवम कुमार शाह, क्लास के जीवन, रोल नंबर 50। तुम अपने से लिखा बेटा? छोटा 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 अपने से लिखा, वेरी गुड। तो चलिए ये तो पहला एग्जाम ही है और इसमें तो उतना ज़्यादा क्या लिख पाएगा बच्चा। तो अब जल्दी से रात का खाना खा लेते हैं क्योंकि कल फिर सुबह मॉर्निंग ड्यूटी जाना है। तो खाना क्या बनाया? रोटी, दिल का सब्जी है और परवल का मसाला दिया। चलिए तो फिर खाना लगाइए। सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लग गया है और साथ में खाना भी आ गया है। तो क्या है खाना में? अभी परवल का सब्जी बना है, ये दिन का सब्जी है और ये क्या है सब्जी? खीर है ना, खीर बनाई आज, रोटी है। तो चलिए खाना खाया जाए। चलिए शिवम रेडी हो गया है नहा धो के, खा के रेडी, हम उसको खिला दिए, रेडी हो गया। ये भगवान जी से आशीर्वाद भी ले लिया और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए। इसका आज पहला फर्स्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश का, इनके पापा तो है नहीं, वो ऑफिस चले गए हैं, हम ही जाएंगे इनको नीचे छोड़ने के लिए। आज पहला एग्ज़ाम है बाबू का, इसको नहा धो के हम भी नहा लिए हैं, रेडी कर नहा धो के रेडी हो गए हैं। और दिविशा यहाँ सोई हुई है। हाँ मम्मा, हाँ बेटा अच्छा से एग्ज़ाम में लिखेगा ना, अच्छा से सुंदर सुंदर, तो तुमको वेरी गुड मिलेगा, वेल डन मिलेगा। तुम अच्छा से लिखना ठीक है, हाँ फिर तुम घर आ जाना। आज घर से आज ज़्यादा देर तक छुट्टी नहीं रखेगा, आज 9 बजे जाएगा ना, 10 बजे एग्ज़ाम चालू होगा, 11 बजे तेरा छुट्टी हो जाएगा। आज 1.5 घंटा ही रहेगा स्कूल में, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा ठीक है। अच्छा से एग्ज़ाम देना बेटा ठीक है बाबा। हाँ नहीं आज टिफिन नहीं दिए हैं बेटा, आज जल्दी आ जाएगा ना, इसीलिए टिफिन नहीं दिए हैं। ना